अभी मैं चाइना में मेरे रूम में हूँ, तो मैंने सोचा है क्या ना रूम का टूर करा देते हैं। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रूम की जो हमको इंस्पायर भी कर रही है, और थोड़ा कभी कभी ऐसे लग रहा है कि यार इतना इस तरीके की हरकत या इस तरीके की काम इन्होंने क्यों किया समझ में नहीं आ रहा। तो जो भी मैं सवाल करूंगा ना वो तो आप नीचे कमेंट में लिखना आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि भाई क्या गलती है। तो चलिए रूम टूर स्टार्ट करते हैं। ये तो देखिए ये तो रूम है ना, ये एक ये बेड हो गया, एक वो मेरे रूम पार्टनर उनका बेड है, और ये इन्होंने क्लोसेट दिया हुआ है, यहाँ ऊपर कपड़े रख सकते हो या लटकाने के कपड़े हैं। एक ये ड्रॉअर है, इसमें हेयर ड्रायर और एक टॉर्च है। अब टॉर्च मेरे हिसाब से शायद लगता है कभी लाइट वाइट चली जाए कोई इमरजेंसी उसके हिसाब से दिया होगा। और यहाँ सामान रखने का है, ये एयर फिल्टर है, नॉर्मली आजकल ज़्यादातर सारे होटल के रूम्स में होता है। ये पूरा प्लेटफॉर्म, और ये हम इंडिया से आए हैं ना तो क्या है कि चाइना में जो अपने देश का जो खाना है ना वो नहीं मिलता, तो ये कुछ सामान लेके आए थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो चाय, ये चाय नहीं मिलती यहाँ पे अपनी मसाले वाली, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन टी दे देते हैं ये। एक ये गर्म पानी करने का है। ये तो रूम हो गया, अब एकदम बिल्कुल बाथरूम की तरफ चलते हैं जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, उसमें कुछ चीज़ें दिखेगी। उससे पहले एक लैम्प दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत लैम्प है। यहाँ से ये ना फर वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है उधर देखिए, वो बहुत बहुत अच्छा है। एक ये वाला लैम्प भी बहुत सुंदर है, ये अच्छी चीज़ लगी। अब जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कल्चरल शॉक समझ लीजिए, या ऐसी चीज़ जो हमको लगता है यार ऐसा कैसे कर दिया। सबसे बड़ी बात तो है कि ये जो पर्दा है ना ये यहीं पे ख़त्म किया हुआ है, इसको आगे तक कर सकते थे। और ये है बाथरूम एरिया, बाथरूम में देखो बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है। ये तो जो फ्रेश होने वाला होने वाली जगह है, इसका एक दरवाज़ा है, ये एक सिंगल दरवाज़ा है। अगर ये बंद हो गया तो ये नहाने वाली एरिया खुली रहेगी, और नहाने वाली एरिया को अगर आपने बंद कर दिया तो फिर ये खुला रहेगा। अब ये क्या है, और डबल बेड और है, अब ये समझ में नहीं आया क्या है सिस्टम इनका। ये एक बार सा लगा हुआ, हमको तो लगा ये कपड़े सुखाने का ही है, तो हमने तो कपड़े सुखा रखे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी अजीब सी चीज़ लग रही है कि ये जो है ना वॉश मशीन ये खुले में है, जिसकी वजह से ये पूरे पानी के छींटे छींटे आ जाते हैं। और एक मज़ेदार चीज़ है, नल चालू करने के लिए और बंद करने के लिए ये लीवर है, इसको इधर करेंगे तो ये ठंडा पानी आने लग गया, और इधर कर दोगे तो गर्म पानी आएगा। और ये बीच में रखोगे ना, अगर आप इसको एक ही चेहरा देखने का, इसमें मैं दिख रहा हूँ देखो स्मार्ट, इधर से नॉर्मल दिखता है, इधर कर दोगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, दाढ़ी दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए या मेकअप करने के लिए। तो ये एक छोटा सा रूम का टूर है। एक और अच्छी सी चीज़ दिखी मेरे को, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ना एक ये ऐसे काउंटर जैसा बना हुआ है, तो जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जो पर्स वगैरह वो सब चीज़, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल के रख सकते हो, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े कि कहाँ रख गया कहाँ रख गया। मेरा मानना तो यही है इसी के लिए है ये। एक ये सामने बड़ा कांच भी है, ये भी एक अच्छा लग रहा है मेरे को। और बाथरूम एरिया में ना ग्रेनाइट लगी हुई है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सब जगह पे वॉल पे दीवारों पे भी ग्रेनाइट लगी हुई है, फ्लोर पे भी ग्रेनाइट लगी हुई है। अच्छा हाँ, एक मज़ेदार चीज़, नॉर्मली जब फॉरेन टूर्स में जाते हैं, लास्ट टाइम मैं चाइना आया था तो जो हमारा जो टॉयलेट होता है टॉयलेट में ये भी है, ये एक अच्छी चीज़ है। और देखो इंडियंस के लिए ये नॉर्मली 99.9% सिर्फ इंडियंस यूज़ करते हैं, उनके हिसाब से आजकल जो चाइना में बाथरूम्स है ना उसमें भी चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। ये हमारा रूम है 2358, और ये होटल की लॉबी देखिए सुनसान, अपने इंडिया जैसा नहीं है कि चहल पहल मची हुई हो, और ज़्यादातर है ना शांति है। लो ये भी हमारे निकल गए, आ जाओ लेट हो जाओगे फिर। बस 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 पहुंच गए। तो अब 9 बजे हमारी बस एग्जीबिशन ग्राउंड के लिए जाएगी, तो बिल्कुल शांति है। ये बड़ा कांच जिसमें मैं दिख रहा हूँ है ना, इसमें क्या कैटलॉग, इसमें कैटलॉग वगैरह जब जाएंगे ना एग्जीबिशन ग्राउंड में तो बारी बारी कैटलॉग दे देते हैं, फिर वो ले लेके घूमने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। इधर की लॉबी देखो आप, ये कारपेट बड़ा खूबसूरत सा, ये लिफ्ट लॉबी में ब्लैक कलर का ग्लास लगा हुआ है, और स्टेनलेस स्टील की ये सामने की फ्रंट की फेशिया जो है पूरा ऊपर और नीचे, और ये ब्लैक ग्लास है। हमारा जो रूम है ना वो थर्ड फ्लोर पे, ये ब्लाइंड्स लगी हुई देखो आप, ऊपर से लेके काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे तक हैंग हो रही है विंडो ब्लाइंड्स। ये लिफ्ट भी देख लो आप, लिफ्ट में ये वॉल पे वुडन लैमिनेट हुआ और ग्लास, छत पे भी ग्लास, ये भी अच्छा लग रहा है। नीचे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ग्रेनाइट है, ब्लैक में ये ब्लू डॉट्स है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है।
में भी देखो वुडन पैनल लगा के, तो क्या चीज़ अपन इंस्पायर हो सकते हैं ये देख सकते हैं इसमें। ये दूसरी लिफ्ट है, इसकी लिफ्ट की फ्लोर में भी पत्थर लगा हुआ है, टाइल तो नहीं है जहाँ तक मुझे लगता, पत्थर ही है, स्टोन है ये भी, और सेम बाकी ओवरऑल डिजाइन लिफ्ट की सेम है। ये देखो पूरी लॉबी में भी रोलर ब्लाइंड लगी हुई है, और चारों तरफ अपने जो राजस्थान में चीमा आता है वो वाली ग्रेनाइट है। ये कारपेट कितना खूबसूरत लग रहा है। एक सामने चेस्ट ऑफ ड्रॉर रखा हुआ है, ये सब ब्लाइंड वगैरह लगी हुई है। मैं क्या बीच वाले फ्लोर पे आपके लिए उतर गया था, दूसरा फ्लोर कैसा दिख रहा है, अभी अपने को चलना है ग्राउंड फ्लोर पे। तो सामने देखो पेंटिंग कितनी, सामने फ्रंट पे देखो पेंटिंग बहुत ज़्यादा है ना, जैसे अपने इंडिया में करते हैं ना खूब सारा डेकोरेशन, वो ऊपर की लॉबीज में नहीं किया हुआ है, ऊपर की लॉबीज को लाइट ही रखा हुआ है।